कमिश्नर के बेहोश होते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने उस आदमी के पास फोन मिलाया जो राघव का दुश्मन था और जिसने भानु प्रताप सिंह को कमिश्नर के आने की खबर दी थी। जैसे ही उस मास्क वाले आदमी ने फोन उठाया, वैसे ही भानु प्रताप सिंह ने परेशान होते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो कमिश्नर हमारी रानी सा को लेकर मुंबई के लिए निकल गया। क्या तुम उस कमिश्नर को राघव तक पहुंचने से रोक सकते हो? वरना हम हुकुम भानु प्रताप सिंह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही फोन के दूसरी तरफ से उस आदमी ने चौंकते हुए कहा, कमिश्नर सिया से मिल चुका है और उसे अपने साथ लेकर मुंबई आ रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं हुकुम सा? अगर ऐसा हुआ तो राघव और सिया एक बार फिर से मिल जाएंगे, फिर आप अपनी रानी सा से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। नहीं हुकुम सा, मैं ये नहीं होने दे सकता। मैं सिया और राघव को दोबारा एक होते हुए नहीं देख सकता। तभी हुकुम भानु प्रताप सिंह ने उस आदमी से कहा, लेकिन कमिश्नर तो सिया को लेकर यहाँ से निकल चुका है, और तो और उसने राघव को भी बता दिया कि वो सिया को लेकर निकल चुका है। अब हमारे पास उस कमिश्नर को रोकने का एक ही रास्ता है कि हम उस कमिश्नर को मुंबई पहुंचने से पहले ही अपने रास्ते से हटा दें, और इसके लिए हमें उसके साथ साथ हमारी रानी सा को भी मारना होगा। रानी सा को मारने की बात सुनते ही उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं हुकुम सा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप सिया को कुछ नहीं करेंगे। कल तक तो आप रानी सा कर रहे थे, और अब अचानक से आप अपने आप को बचाने के लिए सिया को ही मारना चाहते हैं। नहीं हुकुम सा, आप सिया को कुछ नहीं करेंगे। इतना सुनते ही भानु प्रताप सिंह ने उस आदमी से कहा, लेकिन हम रानी सा को अपने पास कैसे रख सकते हैं? उन्हें सब कुछ याद आ चुका है और वो हमारे साथ एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती, इसलिए हमें बताएं। बिना वो कमिश्नर के साथ चली गई। वो जानती थी कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं और हमने उनका कितना इंतजार किया। उसके बाद थी वो उस राघव सिंघानिया से मिलने के लिए दौड़ती हुई चली गई। इसलिए अब हमने सोच लिया, अगर रानी सा हमारी नहीं हुई तो हम उन्हें राघव की भी नहीं होने देंगे, इसलिए हम कमिश्नर और रानी सा दोनों को जान से मार देंगे। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से उस आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, सोचना भी मत, सिया को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत हुकुम सा, वरना इस गलती के लिए भले ही राघव आपको छोड़ दे, लेकिन मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपको सिया का पता इसलिए नहीं दिया कि आप उससे उसकी जिंदगी छीन लेंगे। मैंने आपके महल में सिया को इसलिए रहने दिया ताकि वो राघव से दूर हो जाए और आपके महल में सुरक्षित रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिया को जान से मार दोगे। जिस सिया के लिए मैंने आज तक इतना कुछ किया है, उस सिया को मैं मरने नहीं दूंगा। वो आदमी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने उस आदमी का फोन काट कर अपने फोन को दीवार पर दे मारा और चिल्लाते हुए बोला, हमें पता था ये सब उसी आदमी का किया धरा है, लेकिन हमें समझ नहीं आता, जब उसने सिया के लिए राघव के साथ इतना कुछ किया तो उसने रानी सा को हम तक पहुंचने में हमारी मदद क्यों की? आखिर क्या मकसद था उस आदमी का? आखिर है कौन वो? हमें इसके खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं मिल रहा? इस वक्त हुकुम भानु प्रताप सिंह के सामने खड़ा आदित्य था, जिसने हुकुम भानु प्रताप सिंह को कमिश्नर और सिया का पता दिया था जब वो दोनों उस मंदिर में मौजूद थे जहां हुकुम भानु प्रताप सिंह गया था। आदित्य ने हुकुम भानु प्रताप सिंह से सवाल पूछते हुए कहा, लेकिन हुकुम सा, आपको कैसे पता चला कि उस आदमी के मन में क्या चल रहा है? मेरा मतलब, उस आदमी ने तो आपसे कहा था कि वो राघव का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो फिर आपने कैसे जाना कि वो ये सब रानी सा के लिए कर रहा है? तभी भानु प्रताप सिंह ने आदित्य से कहा, तुम्हें पता है आदित्य कमिश्नर यहाँ किसके बुलावे पर आया था और उसके होटल रूम में वो चिट्ठी किसने छोड़ी जिसे पढ़कर कमिश्नर हमारे महल तक पहुँच गया? वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही मास्कमैन था जो खुद को राघव का दुश्मन बता रहा था। उसने हमारे साथ डबल गेम खेला। उसने राघव और सिया को अलग करने के लिए हमारा इस्तेमाल किया, और जब उसे लगा कि हम अपनी रानी सा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उसने हमारी रानी सा को हमसे अलग करने की साजिश रचते हुए उस कमिश्नर को सब कुछ बता दिया। बस एक बार पता चल जाए कि वो आदमी कौन है और कहाँ छुपा हुआ है, उसके बाद हम उसको ऐसी भयानक सजा देंगे जिसके बारे में उसने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर आदित्य ने कहा, लेकिन हुकुम सा, उस आदमी को सजा देने के लिए क्या आप सच में रानी सा को मार देंगे? आदित्य आगे कुछ बोलता उससे पहले ही हुकुम सा ने कहा, नहीं आदित्य,
हम अपनी रानी सा को चोट पहुंचाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। हमने उस आदमी से ये सब इसलिए कहा ताकि हम उस आदमी को अपनी रानी सा से दूर रख पाए, वरना अगर उसे पता चला कि रानी सा अभी भी महल हमारे में है तो वो किसी न किसी बहाने हमारे महल तक आता रहेगा और चुप चुप कर हमारी रानी सा को देखता रहेगा। फिर हुकुम भानु, प्रताप सिंह ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें पता है आदित्य, हमने उस आदमी के पास हमारी रानी सा की तस्वीर देखी, तभी से हमें उस आदमी पर शक हो गया और वो आदमी जब भी हमारे महल आता हमने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। आज जब वो महल आया तो हमने खुद उसका पीछा किया। वो हमारे कमरे से निकलकर सीधा रानी सा के कमरे में गया और चुपके से बिस्तर पर लेट रही। हमारी रानी सा को देखकर मुस्कुरा रहा था। हमारा मन तो किया कि तभी उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दे, लेकिन हम चुप रहे क्योंकि उसने हमें कमिश्नर के आने की खबर जो दी थी। इतना सुनते ही आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, इसका मतलब उस आदमी ने आज तक जितने भी कांड किए हैं सिर्फ और सिर्फ रानीसा के चक्कर में किए हैं। वो चाहता था कि उसके कांड की वजह से राघव सिंघानिया फंस जाए और वो सिया की जिंदगी में एंट्री मार ले। लेकिन अगर ऐसा था तो उसने सिया को आपसे क्यों मिलाया, जबकि वो अच्छे से जानता था कि आप तो रानीसा को खुद से किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने देंगे। तो फिर तभी भानु प्रताप सिंह ने कहा, देखो आदित्य, फिलहाल ये सब सोचने का हमारे पास टाइम नहीं है। अभी हमें अपने प्लान को आगे बढ़ते हुए इस कमिश्नर को ठिकाने लगाना है। हम इस कमिश्नर को ज्यादा देर यहाँ नहीं रख सकते, वरना अगर किसी को जरा सी भी भनक लग गई कि कमिश्नर हमारे महल में आया था तो पूरी मुंबई पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। इसलिए इस कमिश्नर को उठाओ और ठिकाने लगाओ। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात मानकर कुछ आदमियों ने बेहोश कमिश्नर को वहां से उठाया और उस गाड़ी में डाल दिया जिस गाड़ी में कमिश्नर आया था, और उसी के साथ एक औरत की डेड बॉडी भी डाल दी जिसके बदन पर वही कपड़े थे जो सिया ने उस वक्त पहने थे जब वो राघव से अलग हुई थी। इतना करने के बाद हुकुम भानु प्रताप सिंह के इशारे से ड्राइवर गाड़ी में बैठा और उन्हें महल से निकालकर उसी होटल ले गया जहां कमिश्नर रुका हुआ था। फिर वहां से कमिश्नर की गाड़ी में उन दोनों को डाला और किसी ड्राइवर को उस गाड़ी में बिठा दिया। फिर जैसलमेर से निकलते ही एक ट्रक ने उस गाड़ी को बुरी तरह से कुचल दिया। जैसे ही हुकुम भानु प्रताप सिंह को यह खबर मिली कि कमिश्नर अब इस दुनिया में नहीं रहा, वैसे ही भानु प्रताप सिंह ने खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा, आज से इस दुनिया के लिए कमिश्नर के साथ साथ सिया भी मर चुकी है और हमारी रानी सा जिंदा हो गई। अब ना तो राघव सिंघानिया सिया को ढूंढने की कोशिश करेगा और ना ही वो आदमी जिसने हमारी रानी सा को पाने के लिए सारी हदें पार कर दी है। इस न्यूज को सुनकर क्या सच में राघव मान लेगा कि सिया अब इस दुनिया में नहीं रही, या भानु प्रताप सिंह का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा? क्या राघव और भानु प्रताप सिंह इस सीक्रेट डेविल को पहचान पाएंगे जो सिया के लिए पागल है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।